पति बच्चे मानता नहीं, बच्चे टीवी देखो नहीं, बार बार टीवी देखता है नहीं सुनता है, तो बार बार उसको बोलते रहो तो क्या होगा? घर मम्मी घर में परेशान करते, बाहर जाके दूसरों के घर में टीवी देखने बैठेगा, ये देती नहीं मम्मी घर में, तो क्या करना चाहिए? हाँ एक दफा बताओ, जब वो टीवी देखता है तब कुछ नहीं बोलना, देखने दो। जब वो खाना खाने शांत होके बैठता है तब उसको समझाओ, बच्चा टीवी देखते रहो स्कूल में क्यों जाते हो? फिर पूछो टीवी कब देखेगा, पढ़ाई कब करेगा, पूछ लो उसको ही, जब शांत है ना, टीवी देखते देखते खींचो नहीं, उसके इंटरेस्ट देखने दो एक दिन, फिर आप सोचो क्या करें, टीवी बंद करके रख दो, नहीं तो उसको पूछो कब सुनाए, कब पढ़ेगा, कब होमवर्क करेगा, कब टीवी देखेगा, वो कहेगा 5 से 6 बजे पढ़ेगा। देखो एक माता जी मधुबन में एक बेटे को लेके आए, भाई जी इस बेटे को कुछ समझाओ, ये 24 घंटा बैट लेके खेलता रहता है, स्कूल से आया बैट बॉल लेके गया, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, हमने कितना पैसा खर्चा करता है सब कुछ ले जाता है, लेकिन एक ही बेटा है क्या करो? अभी आपके पास जवाब है तो बताओ। तो मैंने कहा माताजी वो अच्छा काम कर रहा है, आपको पता नहीं है, वो खेल करके सचिन तेंदुलकर से करोड़ों का पैसा कमाए के लेके आएगा, आप उसको मना नहीं करो, खेलने दो। हमने कहा आप रोज खेलना, स्कूल में नहीं जाना, खेल करके लाखों रुपए कमाएगा। तो उसके तरफ से बोला, मैंने खुश हो गया, हंसने लगा। तो मैंने कहा आप इंडिया में खेलेगा कि विदेश में भी खेलेगा? नहीं मैं विदेश में भी जाऊंगा। अरे विदेश में जाना है तो इंग्लिश चाहिए। नहीं मैं पढ़ूंगा ना। तो हमने कहा इंग्लिश कैसे बोलेगा? कि तो पढ़ाई करूंगा। कब पढ़ाई करेगा वो आप बताओ, खेलेगा कभी, पढ़ाएगा कभी? कहते मैं स्कूल से आने के बाद होमवर्क करूंगा, 5 से 6 1 घंटा खेलूंगा। पक्का? मम्मी को बोलू बैट और बॉल लॉक करके रख दो, 5 बजे आपको देगा, चलेगा? हाँ। माता जी को कहा बैट बॉल आप चाबी करके बॉक्स में रख दो, आके होमवर्क करने के बाद 5 बजे उसको दे दो। हर चीज का निवारण सावधानी से चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार औरों को चलाना चाहते हैं, नहीं उनके इच्छा के अनुसार चलाओ, यही अंतर है।